प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम गुरु जी ने पाठ एक मन के भोले भाले बादल के बारे में अध्ययन करें। कविता में काले बादलों की बात है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, आसमान के बादल ऐसे दिखाई देते हैं काले, कुछ सफेद दिखाई देते हैं सफेद रंग के, कुछ भूरे रंग के होते हैं। वास्तव में बादल पानी की जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प मतलब भाप होते हैं और भाप उसी से भोजन दोनों में निर्माण होता है। बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। कक्षा में बातचीत और ये इस पर निर्भर करता है कि सूर्य की किरणें सागर की बनी होती है, जिन रंगों से जलवाष्प गुजरता है और जिस रंग की प्रबलता ज्यादा होती है वो बादल उसी रंग के दिखाई देते हैं। यदि काले रंग की प्रबलता रही तो काले बादल दिखाई देंगे, यदि सफेद रंग की प्रबलता रही तो सफेद रंग के दिखाई देंगे, यदि भूरे रंग की प्रबलता रही तो भूरे रंग के बादल दिखाई देंगे। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल की रणनीति हो। बादल काले भूरे और सफेद रंग के दिखाई देते हैं। सूर्य की किरणों के कारण वे सुबह और शाम को लाल और केसरिया रंग के ही दिखाई देते हैं। ये डिपेंड करता है सूर्य की किरणों की प्रबलता पर, जिस रंग की प्रबलता अधिक होती है बादल उसी रंग के दिखाई देते हैं। बादलों का स्वयं का कुछ रंग नहीं होता है। अब बारिश की आवाजों के नाम लिखना है। बारिश की आवाजें जब होती है तो ये उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, उस वस्तु पर डिपेंड करता है जिस पर वो गिरती है। छम छम जब बादल की बूंदें फर्श पर गिरती है तो छम छम की आवाज आती है। तड़ जब पौधों पर गिरती है, पेड़ बड़े पेड़ों पर गिरती है तो वहां तड़ की आवाज आती है। झरझर जब बहुत पेड़ घने पेड़ पौधे होते हैं और वहां बादल की बूंदें गिरती है तो झरझर की आवाज आती है। जब पेड़ की बूंदें टीन वगैरह खपरेल वगैरह छत वगैरह में गिरती हैं तो वहां टप टप की आवाज आती है। टिक टिक जब बादल की बूंदें फर्श पर गिरती हैं तो टिक टिक की आवाज आती है। छप छप जब हम पानी में बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर जब बूंदें गिरती हैं और हम चलते हैं तो हमारे पैरों की जो आवाज आती है वो छप छप की आवाज आती है। चल चल जब किसी वस्तु में गिरती है, बर्तन में गिरती है किसी में, तो वहाँ जो बादल की बूंदों की आवाज़ चल चलाती है। धन्यवाद।